मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, भगवे रंग के झंडे ने सभी को किया आकर्षित। क्या एनसीपी ने चुना अनिल देशमुख का राजनीतिक उत्तराधिकारी? काटोल विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है सलील देशमुख की सक्रियता। और संजय राउत की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म, क्या बढ़ाई जाएगी संजय राउत की जेल? अब खबरें विस्तार से। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने विदर्भ और मराठवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दौरान वे सीधे किसानों के खेत में घर में जाकर किसानों की असली पीड़ा जानने लगे। इस वक्त उन्होंने किसान के घर से सब्जी और रोटी का खाना भी खाया और उन्होंने किसानों का दर्द जानने और उन्हें दिलासा देने के बाद तात्काल मदद का आश्वासन भी किया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की टीम ने स्थान पर कई प्रदर्शनें भी की। यह शोभा यात्रा गोरक्षण से गीता मंदिर तक निकाली गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर इस शोभा यात्रा ने नागपुर के वातावरण को भगवा कर दिया। जय श्री राम जय श्री कृष्ण की घोषणा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सांसद नवनीत राणा ने राजनीतिक वजन बढ़ाने और मंत्री पद के लिए दहीहांडी और रक्त तुला का आयोजन किया, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक अमोल मिटकरी ने लगाया था। अब नवनीत राणा ने उनके आरोप का जवाब दिया है। लोगों की सेवा करने वास्तविक रूप में राजनीतिक वजन बढ़ाया जा सकता है। दहीहांडी एक सामाजिक उपक्रम है और हम इसे हर साल मनाते, ऐसी प्रतिक्रिया नवनीत राणा ने दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख अभी भी जेल में है। यह अभी तय नहीं है कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा, लेकिन नागपुर जिले के खासदार अनिल देशमुख के काटोल निर्वाचन क्षेत्र में उनके बेटे सलील देशमुख को अनिल देशमुख का उत्तराधिकारी चुना है क्या, ऐसा कहने की वजह है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अनिल देशमुख की गैर मौजूदगी में उनके बेटे सलील देशमुख काटोल विधानसभा क्षेत्र में सारा काम संभाल रहे हैं। साथ ही एनसीपी के कई दिग्गज नेताओं के विदर्भ और नागपुर के दौरे के दौरान सलील देशमुख की सक्रियता ध्यान खींच रही है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने विदर्भ और मराठवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दौरान वे सीधे किसानों के खेत में घर में जाकर किसानों की असली पीड़ा जानने लगे। इस वक्त उन्होंने किसान के घर से सब्जी और रोटी का खाना भी खाया और उन्होंने किसानों का दर्द जानने और उन्हें दिलासा देने के बाद तत्काल मदद का आश्वासन भी किया। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने विदर्भ और मराठवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दौरान कृषि मंत्री सत्तार ने यवतमाल जिले के आम किसानों के पीड़ा के बारे में जाना। इस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ क्षेत्रों का जायजा किया। सड़क पर कई जगह आम किसानों ने उनसे रुकने का अनुरोध किया। किसानों का वास्तविक दर्द जानने के लिए उन्होंने किसानों के अनुरोध का सम्मान किया और खेतों में जाकर उनका निरीक्षण किया। उन्होंने यवतमाल जिले के आरनी महागांव सुकली और मारले गांव का दौरा किया और खेतों में जाकर कपास अरहर और सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को उचित पंचनामा बनाकर तत्काल रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया और उन्होंने तुरंत मुआवजा देने का भी वादा किया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बाद आप सभी का स्वागत। मुख्य याचिकाकर्ता जनमन संगठन ने दावा किया है कि राज्य में इस तरह के सबसे बड़े सिंचाई घोटाले में कथित क्लीन चिट के बदले दोषियों को सजा दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के रूप में हमने घोटालों की जांच कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ साथ अदालत के सामने बहुत मजबूत सबूत रखे, इसलिए जनमंच के अध्यक्ष राजीव जगताप ने यह विश्वास जताया है कि कथित क्लीन चिट की जगह जो अभी चर्चा में है उन दोषियों को सजा दी जाएगी। 15 साल घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे संजय राउत की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, इसलिए आज उन्हें बॉम्बे सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने संजय राउत को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 8 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच ईडी आज संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोशिश करने जा रहे हैं, क्योंकि पात्राचाल मामले में ईडी की जांच चल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है। वेकोली शिवखंड वन में वेकोली ने खेत के चारों ओर मिट्टी के टीले खड़े कर दिए। वर्ष 2019 से क्षेत्र में खेतों में जलभराव हो रहा है, क्योंकि वेकोली के खनन से प्राकृतिक नाले का प्रवाह भी अवरुद्ध हो गया। कोयला खदान की गलत प्लानिंग से किसानों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने निर्देश दिया कि वेकोली के किसानों को तत्काल आवश्यक मुआवजा दे। तो वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।